Now, next is Sri Pradeep Tamta. उपसभापति जी आपने मुझे अनुमति दी आपके लिए चार मिनट के बस चार मिनट है मैं आपका आभारी हूँ मैं इस बिल के विरोध में खड़ा हूँ आधी रात मैं सुन रहा था अभी जयराम रमेश जी ने जो बात की मैं उससे अपने आप को सम्मत करते हुए बड़ी अचंभे की बात है कि वर्तमान मंत्री और पूर्व मंत्री एक साथ आए हैं अब मैं दोनों को इस बात का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आप दोनों वन और पर्यावरण मंत्री हैं और मैं देख रहा हूं 2014 के बाद पूर्व मंत्री जब यहां पर अभी आए अपना इंटरवेंशन करने के लिए उसी समय से फॉरेस्ट एक्ट को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को वो तमाम एनवायरमेंटल एक्टों को डाइल्यूट करने की मोदी सरकार ने एक सिलसिलेवार कोशिश की है एक षड्यंत्र किया है दोनों मंत्री कह रहे हैं कि हम बैंबू को लगा करके देश के ग्रीन कवर को बढ़ाना चाहते हैं यह हमारा नेशनल पॉलिसी है कि 33% होने चाहिए पूरे देश के कवर का फॉरेस्ट कवर होना चाहिए मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा आप जो किसान के कंधे पर कह रहे कि किसान बंबू बोएगा तो कवर बढ़ जाएगा ग्रीन कवर बढ़ जाएगा आपको किसने रोका है आप फॉरेस्ट एक्ट में अगर कुछ लाते कि जो इस समय लगभग इस समय 22% के करीब है उसको 33% देने के लिए किस तरह से देश के अंदर जो फॉरेस्ट कवर है जो सरकार के कंट्रोल में है उसमें आपको रोका है इस देश के बन के कवर को बढ़ाने के लिए वहां आप नहीं सोच रहे हैं आप कह रहे हैं कि इससे किसानों की इनकम बढ़ जाएगी एक तरफ कह रहे हैं कि इससे बनू का कवर बढ़ेगा अगर कवर तभी तो बढ़ेगा जब वो वहां सुरक्षित रहेंगे आप क्यों नहीं कहना चाहते हैं कि हम प्राइवेट लैंड में किसानों को जबरदस्ती उद्योग कॉरपोरेट घरानों के हाथों में गिरवी रख देना चाहते हैं आप पूरी तरह से वो ब्रिटिश टाइम की जब इस देश के बिहार में देखे जहां किसानों को नील की खेती करने के लिए बाध्य कर दिया गया था आज फिर क्या एक जो एग्रीकल्चर लैंड में आप इस एग्रीकल्चर लैंड में बंबू का और पता नहीं कितने कॉमर्शियल ट्रीज का प्लांटेशन करने के लिए जो आगे बढ़ा रहे उसका कभी सोचा कि इस देश के एग्रीकल्चर पर उसका क्या असर पड़ने जा रहा है आप दो विरोधाभासी बातें मत कीजिए कि एक तरफ कह रहे कि इससे ग्रीन कवर बढ़ेगा और दूसरी तरफ कह रहे इससे ट्राइबल की इससे किसानों की इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी आपका मकसद ये नहीं है आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस देश के कॉरपोरेट घरानों की जिनकी अच्छे दिनों की सरकार आई है उनके लिए आप करना चाहते हैं आखिर क्या कर रहे हैं इस देश में एक तरफ आप अभी उत्तराखंड के ही अंदर आपने एक तरफ इको सेंसिटिव जोन बनाया था और वहीं हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं आप सुप्रीम कोर्ट तक चले गए कि क्या गंगोत्री जी की सड़क सामरिक रूप से महत्वपूर्ण है अरे वहां कौन सी गंगोत्री तक सामरिक जगह चीन की सीमा वो सड़क जा रही है हजारों पेड़ देवदार के काटे जा रहे हैं पिथौरागढ़ क्षेत्र पंचेश्वर में एक बहुत बड़ा मल्टी विशाल का डैम बनाने जा रहा है क्या मैं वन मंत्री से और पर्यावरण मंत्री से पूछना चाहता हूं क्या आप लोगों ने कभी सोचा कि हजारों लाखों आपकी वन क्षमता बायोडायवर्सिटी वहां पर खत्म होने वाली डूब रही है आपने उसका कहीं अध्ययन किया कहीं पर्यावरण अध्ययन किया आपका मंत्रालय था आपका विभाग था आपकी जिम्मेदारी थी उनकी रक्षा करने के लिए आपने वो उसका डीपीआर का काम उस कंपनी को दे दिया उस विभाग को दे दिया जो वनों को उजाड़ना चाहता वो बताएगा वहां का अध्ययन करके कि इसे पर्यावरण पर कोई असर नहीं पड़ने वाला ये बड़ी अच्छी वो बात है तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो बिल फॉरेस्ट एक्ट बिल बंबू के बहाने आ रहा ये मुझे ऐसा लगता है एक टेस्ट केस है आज आपने बंबू को क्या कहते प्राइवेट लैंड से ग्रास की अरे ग्रास को सुन रहा हूं मैं क्या घास है छोटी छोटी घास बंबू एक प्लांट है जिसकी हाइट आप जान सकते नॉर्थ ईस्ट में एक जंगल की तरह है पेड़ है
लेकिन प्लांट तो है जो कोई घास नहीं है, जमीन मोकने वाला, 3-4 inch पैदा होने हैं, बहुत लंबी आय तक जितने तक पेड़ जाते हैं, सेब का पेड़ भी उतना ही, आप क्या कहते हैं बंबू का पेड़ भी है, आप जंगल में उसको अपने फॉरेस्ट की लैंड में उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं और किसान की लैंड में वो सुरक्षित नहीं रहेगा। ये सीधा सीधा मुझे मकसद लगता है कि इस सरकार का एक ही लक्ष्य है, सबका साथ सबके विकास में। यस टम्टा जी, वन स्पीकर ऑफ योर पार्टी इज एब्सेंट, सो यू गेट 2 more minutes, यू कैन स्पीक 6 minutes। थैंक यू। तो मैं यही कहना चाहता हूं, डिवाइडिंग इक्वली ओके, कि पूरा का पूरा जो मकसद है इस फॉरेस्ट एक्ट में कंट्रोल करने का, इसको डाइल्यूट करने का, इसके पीछे एक पूरी की पूरी लॉबी पड़ी हुई है। आज आप फॉरेस्ट एक्ट में संशोधन करना चाहते हैं, कल आपकी दृष्टि होगी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को, कि सब एक्ट को बनाया जाए, क्योंकि एक्ट को संशोधित किया जाए कि सब बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान नहीं बने, विकास नहीं हो रहा है। आखिर इस देश के अंदर क्या मंत्री जी बताएंगे, इतनी बड़ी जो है बात तो कही थी, इसके लिए अध्यादेश की कोई जरूरत नहीं थी। सबसे पहले तो इस बात को आज इस देश को जरूरत है कि हमारे देश के अंदर जो फॉरेस्ट का कवर अभी तक नहीं बढ़ पा, 22.5% कुल है, उसको हम आगे बढ़ाने के लिए क्या प्लान था, क्या मंत्री जी आपके जवाब में देंगे, जब वो कह रहे हैं कि हम इस बिल के पीछे इस देश के ग्रीन कवर को बढ़ाने जा रहे हैं, क्या भारत सरकार ने इस देश के अंदर इन 3.5 सालों में ग्रीन कवर को बढ़ाने के लिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कोई कार्य योजना बनाई है, या सिर्फ वो कार्य योजना बनाई है जहां आप छत्तीसगढ़ में हो, जहां आप झारखंड में हो, बनू के अंदर कोर सेक्टर में तक, कोर सेक्टर में तक आप क्या कहते उद्योगपतियों को हस्तक्षेप की अनुमति देने जा रहे हैं। पहला ही पूर्व वन मंत्री यहां पर से चले गए थे, उनकी अध्यक्षता में उनके द्वारा पहली एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी जिसका काम ही था फॉरेस्ट साइट एक्ट में, वाइल्ड लाइफ एक्ट में, कंजर्वेशन एक्ट में संशोधन किया जाए, इसलिए मैं इसके पक्ष में नहीं खड़ा हूं और मैं इसका अपोज करता हूं और सदन से भी मांग करता हूं कि उद्योगों को कॉर्पोरेट जो उनके हितों में आने वाले इस एक्ट का पुरजोर।